एस्ट्रो लवर्स ज्योतिष सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, भारतीय ज्योतिष जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों के आधार पर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जातक का भूत, वर्तमान और भविष्य बता सकता है और सभी जातक का भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल उनकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों के आधार पर प्रभावित होता है। इन्हीं प्रभाव के आधार पर सभी ग्रहों को अच्छे ग्रह या फिर बुरे ग्रह, यानी कि शुभ ग्रह और पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। शनि, राहु और केतु को क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसका कारण है कि ज़्यादातर यह ग्रह अशुभ परिणाम ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि यह क्रूर ग्रह या पाप ग्रह हमेशा बुरा फल ही देते हैं। अगर ये अच्छा फल देते हैं तो जातक की जिंदगी अचानक से बदलने लगता है और वह प्रगति के पंथ पर बिना रुके आगे बढ़ने लगता है। इन पाप ग्रहों के प्रभाव से रंक या दरिद्र व्यक्ति भी बहुत ही कम समय में राजा बन सकता है। ये पाप ग्रह जब अशुभ फल देने लगते हैं तो जातक का जीवन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों से ज़मीन पर आ जाता है। दर्शकों, किसी भी जातक की जन्म कुंडली हो, उनमें राहु और केतु का ज़्यादातर नकारात्मक या फिर अशुभ फल ही मिलता है। दर्शकों, राहु और केतु के फल की एक विशेषता है कि यह जब भी असर दिखाने लगता है तब उसका फल जीवन में अचानक से मिलने लगता है, चाहे वह शुभ फल हो या फिर अशुभ फल। जातक के जीवन में अचानक से रातों रात बदलाव आने लगता है। राहु जब अशुभ फल देता है तब जातक का जीवन अचानक से बदलने लगता है। वह शंका से घिरा हुआ रहता है। उन्हें अपने जीवन के ज़्यादातर मामलों में भ्रम यानी कि डिसेप्शन होता है और जीवन के ज़्यादातर समय वह चिंता और तनाव में घिरा रहता है। राहु के दुष्प्रभाव की वजह से जातक बुरी संगत में आ जाता है और बुरे कर्मों को अंजाम देने लगता है। कई बार राहु के दुष्प्रभाव को इस प्रकार देखा गया है कि राहु से पीड़ित व्यक्ति किसी व्यसन या नशे का इतना आदि हो जाता है कि उस नशे या व्यसन की वजह से उसकी बहुत ही कम उम्र में मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, यह सब अशुभ फल तब देखने को मिलेंगे जब जातक की कुंडली में राहु लग्नेश होकर पंचम, सप्तम, अष्टम या फिर द्वादश स्थान में स्थित होता है और इस अशुभ फल की तीव्रता और भी बढ़ जाती है जब राहु इन स्थानों में पाप ग्रहों के साथ युति कर रहा हो। यह अशुभ फल की तीव्रता तब भी बढ़ जाती है जब गोचर में राहु शत्रु राशि में भ्रमण कर रहा हो। ऐसी स्थिति में जातक इतने दुखों से घिर जाता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे दुखों का अब और कोई भी अंत नहीं है। जातक के द्वारा फेंके गए सभी पासे उल्टे पड़ जाते हैं, यानी कि जीवन के सभी क्षेत्र में स्वास्थ्य, आरोग्य, व्यापार, व्यवसाय, धन, पारिवारिक जीवन वह असफल रहता है और पीड़ित होने लगता है। यदि राहु नीचस्थ होकर इन सब अनिष्ट स्थानों में बैठता है तो जातक हताशा और निराशा से इतना घिर जाता है कि अपने जीवन का अंत यानी कि खुदकुशी के लिए प्रयत्न कर बैठता है। दोस्तों, जैसा जीवन में किसी भी क्षेत्र में हमें देखने मिलता है, वैसे ही कोई भी चीज़ के दो पहलू होते हैं। राहु के भी दो पहलू है। राहु हमेशा बुरा ही फल देगा ऐसा नहीं है। यदि राहु लग्नेश होकर केंद्र में बैठता है या फिर छठे, आठवें और बारहवें स्थान पर होता है तब राहु बहुत ही शुभ फल देने लगता है। ऐसी स्थिति में जातक का जीवन अचानक से बदलने लगता है। बहुत ही सामान्य परिस्थितियों में होने के बावजूद बहुत ही कम समय में वह ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। राहु के शुभ फल के प्रभाव से
जातक निरोगी, अत्यंत पराक्रमी और बड़े बड़े कार्यों को करने वाला बन जाता है। राहु ग्रह की एक विशेषता है, जब वह शुभ फल देता है तब जातक अपने शत्रुओं को या फिर पूरे शत्रुओं के समूह को पूर्ण तरह से नष्ट कर देता है। राहु जब सकारात्मक असर देता है तब उस जातक को उच्च राजकीय पद पर बिठा देता है। ऐसा जातक राजनीतिक दावपेच में बहुत ही माहिर होता है और राजकीय क्षेत्र में अजेय साबित होता है, यानी कि उसके सामने राजकीय क्षेत्र में कोई भी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता है। अब देखिए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट। पूरे वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, Amazon Fire Stick पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, Airtel DTH पे सब्सक्राइब करें एस्ट्रोवाणी चैनल, डिश टीवी और D2H पे सब्सक्राइब करें ज्योतिष दुनिया।